हेलो फ्रेंड, लेट डिस्कस करंट अफेयर्स ऑफ सितंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो अभी हाल ही में शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों से जापान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आबे युद्ध के बाद जापान के सबसे लंबे समय तक तो प्रधानमंत्री रहे। ये 2012 में प्रधानमंत्री बने थे और अब तक प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत थे। इन्होंने अभी स्वास्थ्य कारणों की वजह से अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। तो ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। जापान के बारे में और तथ्य यदि देखें, यदि हम भारत के पूर्वी दिशा में चलते हैं तो बर्मा के बाद थाईलैंड, और इधर से आते हैं तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बाद यहाँ आते हैं तो साउथ चाइना सी के बाद स्ट्रेट ऑफ फॉर्मोसा से आगे आते हैं तो ईस्ट चाइना सी के बाद यदि हम कोरिया स्ट्रेट जो कि जापान और साउथ कोरिया के बीच में, उससे ऊपर आते हैं तो यहाँ आपका सी ऑफ जापान, और यहाँ जापान के आइलैंड हैं कौन कौन से, होकाइडो, होन्सू, क्यूसू। तो ये हैं आपका जापान जिसकी राजधानी है टोक्यो और मुद्रा है येन। और यदि मैप में देखें तो जापान के मेनली ये चार आइलैंड हैं, होकाइडो जापान का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है, फिर होन्सू जो कि सबसे बड़ा आइलैंड है, फिर सिकोकू और क्यूसू। देखो तो ये चारों आइलैंड है, ये आपका सी ऑफ जापान, ये आपका कोरिया स्ट्रेट जो कि सी ऑफ जापान को आपका ईस्ट चाइना सी के साथ ज्वाइन करती है, और साउथ कोरिया को जापान से सेपरेट करती है, और यहीं आपके ये होन्सू में है आपका टोक्यो जो इसकी राजधानी है, और यहाँ आपका नागासाकी और हिरोशिमा है। अच्छा, इसके जो ऊपर है यहाँ जो होकाइडो और होन्सू आइलैंड है, यहाँ इसमें ये है स्ट्रेट ऑफ सुगारू स्ट्रेट जो आपका होकाइडो और होन्सू को सेपरेट करती है, और सी ऑफ जापान को नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के साथ जोड़ती है। अगर यहाँ ऊपर बात करेंगे तो सी स्ट्रेट ऑफ टार्टरी है जो मेनलैंड रसिया को सखालिन आइलैंड से सेपरेट करती है, और सी ऑफ अकोस्टक को सी ऑफ जापान के साथ जोड़ती है। और यदि और देखना चाहें तो और जापान के बारे में फैक्ट्स हैं कि जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है, प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं, ये अभी तक पद पर बने रहेंगे, हालांकि इस्तीफा दे दिया जब तक इनका नया उम्मीदवार नहीं आ जाता। ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है, प्रशांत महासागर में स्थित है, रिंग ऑफ फायर पर स्थित है जहाँ बहुत ज़्यादा भूकंप आते रहते हैं, जबकि जो जापान में भी आते रहते हैं। अच्छा, यहाँ जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने नागासाकी पर 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय अणुबम गिराया था, और हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिराया गया था, और नागासाकी पर 9 अगस्त को अणुबम गिराया गया था 1945 को। क्यों गिराया गया था? क्योंकि क्या हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया था। उसके बाद क्या होता है, मई में हिटलर सुसाइड कर लेते हैं, और मई 1945 में जर्मनी आत्मसमर्पण कर देता है, लेकिन जापान फिर भी युद्ध लड़ता रहता है। तो अमेरिका ने पर्ल हार्बर का बदला लेते हुए इसके हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पर अणुबम गिराया, जो लिटिल बॉय और फैटमैन जिनके नाम थे। क्योंकि क्या हुआ था कि 1939 में उसी समय ऑटो हान ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। तो ये जापान का फ्लैग है। और जापान के बारे में, जापान के जो करंट एम्परर हैं वो हैं आपके नरोहितो 2019 यहाँ के ये सम्राट बने थे। और जापान के बारे में एक रियुकू आइलैंड आपका इनके बाद पड़ते हैं, जो क्यूसू आइलैंड के बाद में रियुकू आइलैंड आते हैं। तो रियुकू आइलैंड विच इंक्लूड ओकिनावा आर ए चैन ऑफ द साउथ ऑफ द क्यूसू के दक्षिण में ओकिनावा भी इनका पार्ट आता है। अच्छा, इसकी जो जापान की मेजर सिटी हैं, एक तो इनकी राजधानी टोक्यो है, और में ओसाका और नगोया जो नगोया प्रोटोकॉल के कारण बहुत फेमस है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में धार्मिक ग्रंथ जलाने पर किस देश में दंगा भड़का? तो ये धार्मिक ग्रंथ एक कुरान जो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, उसको जलाने पर दंगा भड़का था। ये दंगा भड़का था आपका स्वीडन में, और स्वीडन के भी एक शहर है मालमो शहर जो पुर्तगाल के बहुत पास में है, वहाँ ये दंगा भड़का था।
यहाँ क्या हुआ था कि फार राइट एक्टिविस्ट बर्न्ड एन इस्लामिक रिलीजियस बुक इन मालमो एंड स्पार्किंग राइट्स। अच्छा, यदि इसकी बात करें, कैपिटल सिटी इसकी स्वीडन, स्वीडन की कैपिटल है आपका स्टॉकहोम। और यदि पॉलिटिकल मैप देखें, यूरोप के पॉलिटिकल मैप में, यहाँ आपका ये आयरलैंड पड़ता है, आयरलैंड के बाद ये नॉर्वे, नॉर्वे के बाद ये स्वीडन पड़ता है, तो नॉर्वे के पूर्व में पड़ता है स्वीडन, स्वीडन के बाद ये आपका बाल्टिक सी है, यहाँ फिनलैंड, लेटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, और ये आपका हो जाएगा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में ये आपका एड्रियाटिक सी, और इधर देखेंगे टर्की, टर्की के ऊपर ये हो जाएगा आपका ब्लैक सी, और ये आपका ये भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी, और ये ऊपर आ जाएगा आपका सी ऑफ अजोब। सी ऑफ अजोब कर्च स्ट्रेट के द्वारा आपका ब्लैक सी से लगता है, ब्लैक सी के बाद यहाँ स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस इसको सी ऑफ मरमरा के साथ जोड़ेगी, सी ऑफ मरमरा जो कि टर्की का इनलैंड सी है, और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स इसको एजियन सी के साथ जोड़ेगी, सी ऑफ मरमरा को एजियन सी के साथ स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स। तो यहाँ आपके यूक्रेन है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, और ये आपका रसिया है। अच्छा, यदि इसकी बात करें आप ये स्वीडन की, तो स्वीडन जो जितने भी एसटीजी इंडेक्स रहते हैं उनमें हमेशा अच्छी रैंक रहती है, इनकी नंबर वन रैंक रहती है। स्वीडन जो स्कैंडिनेविया का भी पार्ट है और ये नॉर्डिक कंट्रीज़ के अंदर भी आता है। देखो, स्कैंडिनेविया में कौन कौन से कंट्री आते हैं, स्कैंडिनेविया में ये आपका स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे, ये तीन कंट्री स्कैंडिनेविया में आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। और जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, नॉर्डिक कंट्रीज़ में आते हैं आपके डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, ये तीन तो आते ही आते हैं, उसके साथ साथ फिनलैंड और आइसलैंड, ये पांच आते हैं किसमें, नॉर्डिक में। नॉर्डिक में देखो आइसलैंड और फिनलैंड ये दो ऐड हो जाएंगे, बाकी नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क रहेंगे। यदि इन कंट्रीज़ की राजधानी बात करें तो देखो, आइसलैंड की राजधानी तो रिकजाविक है, फिनलैंड की है हेलसिंकी, स्वीडन की स्टॉकहोम, नॉर्वे की ओस्लो और डेनमार्क की कोपेनहेगन। और देखते हैं मैप में, ये नॉर्वे रहा, नॉर्वे के इधर रहा स्वीडन, स्वीडन के बाद ये आपका बाल्टिक सी है जिसमें ये है गल्फ ऑफ बोथनिया, ये पूरा आपका बाल्टिक सी, बाल्टिक सी के जो कुछ बाल्टिक कंट्रीज भी बोलते हैं, जो तीन कंट्री हैं नॉर्दर्न यूरोप में जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ बाल्टिक सी पे हैं, एस्टोनिया, लेटविया और लिथुआनिया। देखो, एस्टोनिया, लेटविया और लिथुआनिया इनको बोलते हैं आपका बाल्टिक नेशंस। अच्छा, तो हमने स्कैंडिनेवियन कंट्री देख ली थी, स्कैंडिनेवियन कंट्री में स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे आते हैं, नॉर्डिक कंट्री में डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड आते हैं। एक आर्कटिक काउंसिल भी है यहाँ, आर्कटिक काउंसिलिंग जो है एक इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ फिनलैंड ने बनाया था सितंबर 1989 में। इंडिया हैज अप्रूव्ड एज ऑब्जर्वर स्टेटस एट दी किरुना मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी 2013 में, उसमें इंडिया ऑब्जर्वर स्टेटस बना। अच्छा, इसके जो आर्टिक काउंसिल, आर्टिक काउंसिल के मेंबर हैं आपके कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रसिया, स्वीडन और यूएसए। तो यूएसए इसका आर्कटिक काउंसिल का मेंबर है। और चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उत्तर पूर्वी राज्य ने भारतीय संविधान की अनुच्छेद की अनुसूची 6 के तहत राज्य को लाने का प्रस्ताव पारित किया है। मतलब कौन सा ऐसा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 6 के अंडर आना चाहता है, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। अच्छा, इस जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश को हम ऑर्चिड स्टेट भी बोलते हैं, ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया, या पैराडाइज ऑफ बॉटनिस्ट्स भी बोलते हैं, ये इसके उपनाम है। अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेट बर्ड है वो है आपका ग्रेट हॉर्नबिल। और इसके बारे में कि 1972 ईस्वी में अरुणाचल प्रदेश वाज कंस्टिट्यूटेड एज यूनियन टेरिटरी, और 1987 में बिकेम द 24th स्टेट ऑफ द यूनियन। देखो, 23rd बना था आपका मिजोरम, ये शायद 21 फरवरी 1987 को दोनों बने थे। मिजोरम 23वां राज्य बना था और अरुणाचल प्रदेश इंडिया का 24वां राज्य बना था, पहले ये असम का पार्ट था। और अरुणाचल प्रदेश में कुछ दर्रा हैं जैसे बोमडिला दर्रा है, बुमला दर्रा है,
तुंगा पास है, ये सब इंडिया तिब्बत बॉर्डर पर पड़ते हैं। और अरुणाचल प्रदेश, अच्छा अभी शेड्यूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का बंटना कि कितने राज्य हैं, कितनी ये यूनियन टेरिटरी, उन सब के बारे में। जो दूसरी अनुसूची है उसमें है कि राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति उपसभापति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में। तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञा के प्रयोग मतलब ओथ लेने से संबंधित है। चौथी अनुसूची में अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। और छठवीं अनुसूची में ए एम टी एम मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। तो इसी छठवीं अनुसूची में अरुणाचल प्रदेश आना चाहता है। अच्छा सातवीं अनुसूची आपका ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट से संबंधित है। आठवीं अनुसूची में आपका लैंग्वेजेस हैं, अभी कितनी रिकॉग्नाइज लैंग्वेज है, 22 रिकॉग्नाइज लैंग्वेज हैं। और नौवीं अनुसूची में है कि अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट या किसी को इसमें अगर इसमें रखेंगे 9th शेड्यूल में तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ऐसा कुछ है। लेकिन अभी 1973 के बाद जो भी रखा गया होगा उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। अच्छा जो 10th शेड्यूल है ये आपका दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के संबंध में, मतलब डिफेक्शन के बारे में। 11वीं अनुसूची पंचायतों के बारे में, पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व। और 12वीं अनुसूची ये म्यूनिसिपलिटी से संबंधित है। अच्छा 11वीं और 12वीं अनुसूची ये 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये 1993 में जो हुए उसके बाद जोड़ा गया है। और ये जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन के बाद, जो 10वीं अनुसूची है वो 52वें संविधान संशोधन के बाद। अच्छा अभी चलते हैं नेक्स्ट। अभी देखो अरुणाचल प्रदेश में ही और क्या क्या, एक तो इसमें पक्के टाइगर रिजर्व है। पक्के टाइगर रिजर्व आपका हॉर्नबिल के लिए फेमस है। एक और बात है कि इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ती है इंडियन सिटीजन्स को अरुणाचल प्रदेश में जाने के लिए। और इसका एक अंजाव एक ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है जो इंडिया का ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है। और 2016 में क्या हुआ था, बुमला पास इन तवांग वाज ओपन फॉर ट्रेडर्स और पटकाई बूम हिल्स एक्ट एज नेचुरल बैरियर बिटवीन अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो आपका ईस्ट साइड में म्यांमार से लगती है। और उसको कौन बाउंड्री का काम करती है, वो है पटकाई बूम हिल्स। अच्छा देखो जो सिक्स्थ, जब इसमें सिक्स शेड्यूल में आ जाते हैं तो इसमें कुछ ऑटोनोमस काउंसिल बनती हैं जो गवर्नर के द्वारा बनाई जाती हैं। जैसे देखो मेघालय है, मेघालय में तीन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं। एक तो है खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जयंतिया हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो ये मेघालय की तीन पहाड़ी क्षेत्रों के नाम हैं। मिजोरम में है आपका चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और मारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और त्रिपुरा में आपका त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, असम में दीमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल, कार्बी एंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। और यदि देखें अरुणाचल प्रदेश के बारे में तो ये आपका ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया का, राजधानी है ईटानगर। फिर इससे जो बाउंड्री लगता है वो है नागालैंड जिसकी राजधानी कोहिमा। फिर और नीचे जाएंगे तो मणिपुर जिसकी राजधानी इम्फाल। फिर और नीचे जाएंगे तो मिजोरम, राजधानी आइजोल। और इधर जाएंगे थोड़ा सा वेस्ट में तो त्रिपुरा जिसकी राजधानी अगरतला। और यहाँ जाएंगे मेघालय की राजधानी शिलोंग, असम जिसकी राजधानी गुवाहाटी और सिक्किम जहाँ राजधानी गंगटोक। तो यहाँ पड़ेगा आपका भूटान। और यहाँ ऊपर जिसको ये रेखा जिसको मैकमोहन रेखा पढ़ते हैं, यहाँ पड़ेगा चाइना। तो जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी बाउंड्री तीन देशों से लगती है, एक आपका भूटान, चाइना और बर्मा। तो इसका जो इंटरनेशनल बॉर्डर है शेयर विद भूटान, चाइना एंड म्यांमार। अच्छा सिक्किम, और सिक्किम के यहाँ इस साइड में आपका नेपाल पड़ता है। और एक बात है अरुणाचल प्रदेश के बारे में कि आपका देखो ये ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है और नामचा बरवा से यहाँ से यू टर्न लेती है। और जब ब्रह्मपुत्र रिवर इसमें अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करती है तो उसका नाम रहता है आपका दिहांग रिवर।
देहांग या सियांग के नाम से जानी जाती है। फिर उसके बाद ये सदिया टाउन के पास उसको दिबांग और लोहित ज्वाइन करते हैं, फिर उसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। तो और जो नदी हैं जो इसको ज्वाइन करती हैं ब्रह्मपुत्र को, वो हैं आपका दिबांग रिवर, सुबनसिरी रिवर, कामेंग रिवर, संकोच, तीस्ता, वो सारी रिवर्स हैं। और अभी और देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, राष्ट्रीय उद्यान यहाँ मौलिंग नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क है। यदि राज्यपाल बात करें, यहाँ के राज्यपाल हैं बी डी मिश्रा जी और मुख्यमंत्री हैं पेमा खंडू, जो भी बीजेपी पार्टी से हैं। और चलते हैं अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस सरकार ने एक स्वस्थ अभियान, स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग, मतलब हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड लॉन्च किया है। तो ये आपका लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने, ये कोविड 19 के कारण ये लॉन्च किया गया है। देखो, स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान के तहत एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया गया है, जहां प्रत्येक बुधवार को एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिसके जरिए छात्र सर्वव्यापी महामारी से बचने के लिए फिटनेस बनाए रखने और सारी गतिविधियों के लिए सप्ताह तक अभ्यास कर सकते हैं। देखो, दिल्ली आपको कहाँ लाई करता है, दिल्ली आपका देखो यहाँ लाई करता है। यदि वैसे देखें ऊपर से सभी में, तो सबसे ऊपर है आपका लद्दाख, लद्दाख के बाद आता है आपका ये जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर यहाँ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, और ये आपका दिल्ली, नई दिल्ली। और इधर इधर से बॉर्डर लगेंगे नई दिल्ली से, इधर उत्तराखंड ऊपर, इधर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, और ये सब असम, अरुणाचल प्रदेश, जो हम अभी देख चुके हैं। दिल्ली के बारे में यदि बात करें, दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लोकसभा की 7 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें और विधानसभा में 70 सीटें। दिल्ली में दो प्लान चले थे कोविड 19 के दौरान, एक तो 5T प्लान था। 5T प्लान में फुल फॉर्मेट 5Ts हैं, वो टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। और एक सील्ड प्रोग्राम था, सील्ड में है सीलिंग ऑफ द इमीडिएट एरिया आफ्टर ज्योग्राफिकल मार्किंग, H4 होम क्वारंटाइन, I4 आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग, L4 लोकल सैनिटाइजेशन एंड डिसइनफेक्शन ऑफ दोज एरियाज, एंड D4 डोर टू डोर चेकिंग, दीज आर इन ऑर्डर टू चेक कोविड 19। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राफेल औपचारिक रूप से किस तिथि को भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाएंगे। तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये 10 सितंबर को शामिल किए जाएंगे, 10 सितंबर 2020 को। जो राफेल है ये फ्रांस से 36 नंबर खरीदे गए हैं और अभी 5 नंबर अभी इंडिया में आ चुके हैं, और ये हरियाणा के अंबाला एयरपोर्ट स्टेशन पर लैंड किए थे, फ्रांस से आए थे। उससे पहले राजनाथ सिंह जी भी फ्रांस गए थे, भारतीय रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं। और अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया है। तो हाल ही में ये चैडविक बोसमैन का निधन हुआ है, इनको ब्लैक पैंथर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र ये आपका केरल में स्थापित किया जाएगा। केरल विल सेटअप इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर इन कंसोनेंस विद द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एट एगामली, ये आपका केरला में एस्टेब्लिश किया जाएगा। देखो, केरला कहाँ पड़ता है आपका, केरला यहाँ पड़ता है आपका, केरला बिल्कुल आपका साउथ में, साउथ ईस्ट में है केरला। केरला का जो केरला की जो राजधानी वो है तिरुवनंतपुरम, इसका बॉर्डर लगता है आपका इस साइड में तमिलनाडु और इधर कर्नाटका, और इधर पूरा आपका ये अरेबियन सी है। और ऊपर स्टेट जाएंगे आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और आगे देखते हैं और केरला के बारे में, देखो केरला इंडिया का मोस्ट लिटरेट राज्य है, जहाँ की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। केरला के जो अभी राज्यपाल हैं ये हैं आरिफ खान, और मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राजधानी तिरुवनंतपुरम है। लोकसभा में 20 सीट हैं, राज्यसभा में 9 सीट हैं, विधानसभा में 140 सीट हैं। इसमें राष्ट्रीय उद्यान है आपके अनामुड़ी, सोला, एराविकुलम, मटिकट्टन, पेरियान, पम्बादुम और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। केरला में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी कुछ पार्ट आता है, जैसे साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये
नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। और यदि देखें केरला के बारे में, केरला के बारे में ये यहाँ एक वेम्बनाद लेक है, वेम्बनाद लेक जो भारत की सबसे लंबी लैगून झील है। इस झील में केरल की लगभग 10 नदियाँ आकर मिलती हैं जिसमें पंबा और पेरियार प्रमुख हैं। वेम्बनाद झील में दो द्वीप भी हैं, वेलिंगटन और वल्लापर्दम। इसी में एक बोट रेस का आयोजन किया जाता है जिसको नेहरू ट्रॉफी बोटायन, प्रतिवर्ष ओणम पर्व के अवसर पर आयोजित की जाती है। इसे स्थानीय भाषा में वल्लम कल्ली भी कहते हैं। और इसी की जो वेम्बनाद लेक है इसके पूर्वी तट पर एक वो है, ये इसके पूर्वी तट पर कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य तथा उत्तरी तट पर कोच्चि बंदरगाह। ऊपर उत्तरी तट पर है कोच्चि बंदरगाह और पूर्वी तट पर है कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 का कुछ हिस्सा इसी झील से होकर गुजरता है जो NW3 है, नेशनल वाटरवे 3। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 47 AB इसी द्वीप पर है, 6 किलोमीटर का। एक झील है पेरियार झील जो लैगून नहीं है। एक है अष्टामुडी लेक, अष्टामुडी लेक लैगून है। और केरल में जो लैगून झील होती है उनको कयाल बोलते हैं, कयाल बैक वाटर्स बोलते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने NCC प्रशिक्षण के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। तो NCC के लिए इन्होंने जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है वो DGNCC ऐप लॉन्च किया है। DGNCC ऐप इसलिए कि COVID-19 महामारी के कारण लोग मतलब जो फिजिकली क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं वो वीडियो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। DGNCC फुल फॉर्म है डायरेक्टोरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स। और डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स हैं अभी इस समय लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। तो ये राजीव चोपड़ा जी और राजनाथ सिंह जी ने दोनों ने मिलकर ये DGNCC ऐप को लॉन्च किया था। अच्छा, ये हृदयनाथ कुंजरू ने वो एक कमेटी बनी थी। देखो जैसे इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उसके बाद 1948 में ये पंडित हृदयनाथ कुंजरू कमेटी, इन्होंने सुझाव दिया था कि देश में एक नेशनल लेवल की सैनिक छात्र संस्था होनी चाहिए। तो इन्हीं के सुझाव पर आज़ादी कुछ महीनों बाद ही 16 अप्रैल 1948 को नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट 1948 के साथ NCC की स्थापना हुई। आज देश में 13 लाख से ज़्यादा छात्र NCC में, जबकि 1948 सिर्फ 20,000 के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। NCC भारत का सैन्य कैडेट कोर है जो स्कूल और कॉलेज के छात्रों को सेना, नौसेना, वायुसेना के लिए उपयुक्त सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करता है। और 3 साल का एक टाइप कोर्स होता है जिसे पूरा करने में योग्यता अनुसार सर्टिफिकेट भी मिलता है। और राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC दिवस हर साल नवंबर 4th रविवार को मनाया जाता है। NCC का मोटो है एकता और अनुशासन, मतलब यूनिटी एंड डिसिप्लिन। और इस सिद्धांत को 12 अक्टूबर 1980 को अपनाया गया था। NCC का जो गान है वो इन्होंने दिया है, वर्तमान गीत सुदर्शन फकीर ने लिखा है। और अभी जो वर्तमान गीत है वो है वी आर ऑल इंडियंस, हम सब भारतीय हैं। और इसे 1982 में अपनाया गया था। अच्छा, पहले था कदम मिला के चल, और लेकिन अब है हम सब भारतीय हैं। तो जो सुदर्शन फकीर हैं इनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने स्वास्थ्य ही सेवा पुरस्कार 2019 जीता है। तो ये आपका NLCIL ने जीता है, NLCIL नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये जो एक नवरत्ना कंपनी है इंडिया की, जो फॉसिल फ्यूल माइनिंग सेक्टर और थर्मल पावर जनरेटर में है। देखो लिग्नाइट, ये नेवेली क्या है आपका तमिलनाडु में, जहाँ लिग्नाइट कोयला मिलता है। कोयले की जैसे 3 वो होती हैं आपका, एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स और लिग्नाइट। तो जो एंथ्रासाइट है वो J&K में मिलता है, जो हाईएस्ट क्वालिटी होती है जिसमें 96% तक कार्बन रहता है। और बिटुमिन्स आपका मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा इन सब जगह मिलता है। और जो लिग्नाइट है ये आपका नेवेली इधर ही मिलता है तमिलनाडु में। और अभी चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि हाल ही में अर्जुन पुरस्कार 2020 कितने लोगों को दिए गए हैं। तो अर्जुन पुरस्कार ये 27 लोगों को दिए गए हैं। देखो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी अभी 1961 में। और ये दिए जाते हैं अर्जुन अवार्ड्स, ये दिए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स स्टार्टेड 1961। द अवार्ड कैरीज ए कैश प्राइज ऑफ 15 लाख रुपीज, ए ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अर्जुन एंड ए स्क्रॉल। अच्छा, ये देखो खिलाड़ियों के नाम है किस किस को मिले, जैसे अतुल दास को तीरंदाजी में मिला है, दुती चंद को एथलेटिक्स में,
चिराग चंद्रशेखर रेड्डी को बैडमिंटन में, दीप्ति शर्मा को क्रिकेट में, संध्या चिंगन को फुटबॉल में, दीपिका को हॉकी में, दीपक को कबड्डी में, मनु भाकर को निशानेबाजी में, सौरभ चौधरी को निशानेबाजी में, दिव्या काकरण को कुश्ती में, मनीष नरवाल को पैराशूटिंग में, और ईशांत शर्मा जो भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज हैं उनको भी मिला है। तो ये टोटल 27 लोगों जिनको ये मिला है, और एक राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिले हैं, वो 5 खिलाड़ियों को मिले हैं। अच्छा, अगस्त के प्रमुख दिवस देखते हैं। जैसे 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है, 3 अगस्त को इस बार विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया, 5 अगस्त को मैत्री दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, क्योंकि 6 अगस्त 1945 को यूएसए ने जापान के हिरोशिमा पर अणु बम गिरा दिया था, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी, और 9 अगस्त को सबको गिरफ्तार कर लिया था। इसी में अनुरा आसफ अली की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अच्छा, और 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस, 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस, 20 अगस्त को अच्छे ऊर्जा दिवस, और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वो नेशनल हारमोनी डे, जो राजीव गांधी की जन्मतिथि के रूप में मनाया जाता है। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, जिसको 1988 में रोनाल्ड रीगन ने स्टार्ट किया था, और 26 अगस्त को महिला समानता दिवस, और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, ये ध्यानचंद जी की जन्मतिथि के रूप में मनाया जाता है। तो ये थे अगस्त के प्रमुख दिवस। आंसर इसके बारे में बताएं, ब्रिक्स के बारे में बताएं। यदि ब्रिक्स के बारे में बात करें तो देखो, ब्रिक्स जो ब्रिक वर्ड था वो ये जिम ओ'नील ने दिया था पहले ब्रिक, और फिर उसके बाद 2010 में क्या होता है, इसको साउथ अफ्रीका भी जोन कर लेता है, तो इसका ब्रिक का ब्रिक्स हो जाता है। और ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्री हैं आपके, रसिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील और ये साउथ अफ्रीका हैं। ये अराउंड 30 से 35% तक वर्ल्ड की GDP रखते हैं, और ब्रिक्स कंट्रीज़ ने अपना एक न्यू डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश किया है, जिसका हेडक्वार्टर आपका संघाई में है। और पूछा है एक क्वेश्चन कि राजीव गांधी खेल रत्न कितने लोगों को दिया गया है, तो ये 5 लोगों को दिया गया है। एक आपके इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा को, एक रेस्टलर विनेश फोगाट को, टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा को, पैरालंपियन एम थनवेलु को, और हॉकी प्लेयर रानी रामपाल को दिया गया है। सो दिस वॉज फॉर द डे।